देश भर में पेट्रोल और डीजल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। कई सौ वर्षों से हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। ऐसे में दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ से पर्यावरण लगातार दूषित होता जा रहा है। हर सालाना पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों के कारण पर्यावरण में लगातार परिवर्तन आते जा रहे हैं। सरकारें तमाम प्रयास करने में लगी हुई है, कैसे पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। पेट्रोल और डीजल के विकल्प भी खोजे जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में इनका विकल्प खोजकर पर्यावरण में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। इसी क्रम में भारत सरकार ने सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जैव ईंधन और वैकल्पिक ईंधन के बारे में दिल्ली में स्थित पीएचडी चैम्बर में हुए शिखर सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली से dailynewsonline.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखी। आज हमें आत्मनिर्भर अगर बनना है तो पहली बात हमको फ्यूल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला नहीं तो एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना है। ये कठिन है पर असंभव नहीं है, और इसलिए टारगेट टू अचीव जो है वो नेट जीरो इमिशन बाय 2070 एंड टारगेट टू रिड्यूस इमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45%, ये हमने हमारे सामने रखा हुआ है। अब स्वाभाविक रूप से ये टारगेट अगर हमको पूरा करना है तो हमको क्या क्या करना चाहिए, इसका जो प्लान है वो हम सबको मिलकर तय करना होगा। पहली बात तो जैसे है कि हमारे देश में टोटल जीडीपी ग्रोथ में हमारी 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल सेक्टर में है, और उनका जो जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन है वो केवल 12% है। जो प्रोग्राम हुआ है बायो एनर्जी, देखिए आज हमारा जो देश का फ्यूचर है वो बायो एनर्जी पे पूरा डिपेंडेंट है। हम लोग आज अपना फॉसिल फ्यूल है वो 85 लाख करोड़ का इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमें कम करना बहुत ज़रूरी है। जो कि नितिन गडकरी जी ने बताया, जो आज हम लोग इतना इनोवेटिव आइडियाज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट में, हम लोग बायोफ्यूल बना रहे हैं, हम लोग एथेनॉल से फ्यूल बना रहे हैं, और सब में उन्होंने, नितिन गडकरी जी ने अलाउ कर दिया है मिक्सिंग फ्यूल में, तो वो हमारे देश का जो इम्पोर्ट है बहुत कम करेगा, देश की इकोनॉमी बहुत दौड़ेगी। आज देखिए उन्होंने किसानों के लिए जो प्रणाली बनाते थे उससे भी उन्होंने एथेनॉल बनाने का तरीका बताया है, जो कि मैं समझता हूँ कि इस देश को कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो एथेनॉल को हम उसको अपने फॉसिल फ्यूल में मिक्स करेंगे तो आज सोचिए आज किसान की जो ऑलरेडी योगदान है इकॉनमी में वो और बढ़ जाएगा, तो उससे किसान भी पैसा कमाएगा और हमारा प्रदूषण भी कम होगा। तो किस तरीके से आप किस तरीके से इस चर्चे पर विषय, देखिए ये चर्चा आज के दिन बहुत ही इतना इनोवेटिव और बढ़िया था कि सारे जो हमारे मेंबर्स आए हुए थे उनको इतना अच्छा लगा ये सुन के कि आज हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। आज जो हम लोग इनोवेटिव आइडियाज़ कर रहे हैं बायोफ्यूल के लिए, ऑल्टरनेटिव फ्यूल के लिए, वो बहुत अमेजिंग है, और इस तरह अगर देश चलता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब हम मॉडर्न इंडिया देखेंगे। किसान के लिए मैं समझता हूँ बहुत फ़ायदा है। जो आज वो प्रणाली जलाता था वो उसमें उसको 800 रुपये केजी का खर्चा आता था, जो आज बताया नितिन गडकरी साहब ने, और जब वो एथेनॉल बनाएगा तो उसमें 1800 रुपये उसकी कमाई होगी, तो आप सोचिए 1000 रुपये वो ज़्यादा कमाएगा, तो किसान के लिए बहुत ही बड़ा ये एक ऐसी चीज़ है जिससे वो पैसा भी कमाएगा और प्रदूषण भी कम होगा। हमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरफ जाना पड़ेगा और बायोफ्यूल्स की तरफ जाना पड़ेगा। जो बायोफ्यूल्स हैं वो देखिए कचड़े से होता है, और जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है जो किसान नॉर्मली जला देते हैं या फेंक देते हैं, उस वेस्ट से आप बायोफ्यूल जनरेट करते हैं। और सरकार की ऑलरेडी पॉलिसी है कि पेट्रोल में 15% बायोफ्यूल मिक्सिंग करने की पॉलिसी है, तो जो भी जितने हमारे किसान हैं वो सिर्फ़ एक अन्नदाता ही नहीं बल्कि एनर्जी दाता भी कहलाएंगे आगे से, और उससे मेरे ख्याल से किसानों की इनकम जो बढ़ाने का ये बहुत बड़ा अवसर है। सारे किसान जो कि 60% आज हमारे देश के एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हैं लोग,
तो वो सब इसको कंट्रीब्यूट करेंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी, हमारा पॉल्यूशन कम होगा, क्लाइमेट चेंज की को फाइट करने के लिए एक हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म रहेगा। और यहाँ तक अब बातें चल रही हैं कि इवन एरोप्लेन्स भी बायोफ्यूल्स से चलने की वो टेक्नोलॉजी भी अब आ रही है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप होगा अल्टीमेटली, ये हम सबके लिए बहुत ही अच्छा है। और PhDCCI इसमें पूरी इंडस्ट्री सरकार के साथ है और हमारे कई सारे मेंबर्स हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें।